हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर किसको कहते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते, जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। अब ये जो प्रेफरेंशियल राइट्स है, ये प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं? दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या होता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट होता है रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। और प्रेफरेंस जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्की कैपिटल होता है। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स किसको कहेंगे? इक्विटी शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं, उनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फीचर्स का पहला पॉइंट है दैट इज परमानेंट कैपिटल। क्या पॉइंट है? परमानेंट कैपिटल। अब ये परमानेंट कैपिटल कैसे होता है और क्यों होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इनिशियली जब स्टार्ट होती है तो कंपनी का जो शुरुआती में जो कैपिटल इश्यू किया जाता है, स्टार्टिंग में जो कैपिटल इश्यू होता है वो होता है इक्विटी शेयर, जिसे कंपनी कभी भी रीपेमेंट नहीं कर सकती है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो इक्विटी शेयर को रीपेमेंट नहीं कर सकती है, वो इक्विटी शेयर्स को खत्म नहीं कर सकती है, उनका रिडम्पशन नहीं कर सकती है। अब ये जो कुछ वर्ड्स आएंगे रिडम्पशन रीपेमेंट, ये आपको धीरे धीरे आपको क्या होगा बाद में थोड़े समझ में आएंगे। अब उसके ऊपर अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर लेक्चर काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम बात करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को परमानेंट कैपिटल क्यों कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन एर्निंग, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। मतलब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब कैपिटल की जरूरत होती है, तो पैसा क्या करती है? शेयर्स को इशू करके कैपिटल जमा करती है, डिबेंचर्स को इशू करके कैपिटल जमा करती है, डिबेंचर्स को इशू करके कैपिटल जमा करती है, बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल को जमा करती है, और वगैरह वगैरह तरीके से कैपिटल को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। लेकिन लेकिन जब कंपनी की शुरुआत होती है तो शुरुआत से लेके लास्ट तक कंपनी के अंदर में इक्विटी शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है, इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है, ये कंपनी के शेयर कभी भी रिडम्पशन नहीं होते हैं जब तक कि कंपनी चलती रहती है। बाइंडिंग अब तक इक्विटी शेयर कंपनी के अंदर में एग्जिस्ट रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है परमानेंट कैपिटल। एक तरफ से अगर देखें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम बीच में रिपेमेंट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के अगर नहीं होंगे तो कंपनी चलेगा, डिबेंचर्स नहीं होंगे तो कंपनी चलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर के बिना कंपनी चलेगा नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको परमानेंट कैपिटल। आई होप कि थोड़ा समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंजेबल या फिर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? डिविडेंड। ये डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं शेयर्स पर जो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस पर जो रिटर्न मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को कहते हैं डिविडेंड। और जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट होता है, वो डिविडेंड का रेट कैसा होता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पर। जितना अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो रेट उतना ज्यादा हो सकता है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो वो रेट क्या होगा? कम हो सकता है। तो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं राइट्स के, राइट्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स होते हैं। दो तरीके का राइट्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल राइट और एक होते हैं ओनली राइट्स। ये दोनों चीजों में आपको थोड़ा सा फर्क क्या करना है। प्रेफरेंशियल राइट वाला पॉइंट भी आपको आगे आने वाला है। देखो अगला ही पॉइंट है प्रेफरेंशियल राइट और यहाँ पे पॉइंट है राइट्स। ये दोनों भी पॉइंट्स अलग अलग है। क्या है अलग, मैं आपको समझा देता हूँ।
राइट्स मतलब यहाँ पे बोलने का है, राइट्स का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी को कंट्रोल करने का राइट होता है। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, ये सारे जो राइट्स हैं, ये राइट्स क्या होते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं। वो अगर चाहे तो कंपनी को मीटिंग बुला सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बुक्स वगैरह है उन्हें वो चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। जहां पे अगर उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे हम उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वहां पे मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं, वो अपना सवाल रख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं इनके राइट्स के, मीटिंग का मैनेजमेंट का, सॉरी मैनेजमेंट तो डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है उनके ऊपर कंट्रोल होता है कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इन्हें राइट होता है कंपनी के बुक्स को चेक करने का, इन्हें राइट होता है मैनेजमेंट को देखने का, उसको सुपरवाइज करने का कि किस तरीके से मैनेजमेंट क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। जब मीटिंग में ये प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर उनके परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये सारे राइट्स होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। मैंने अभी बताया था कि दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स कौन से हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का और दूसरा पेमेंट ऑफ कैपिटल का। जो ये दोनों के दोनों राइट, ये जो राइट्स हैं इन्हीं राइट्स को कहते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स। क्या? डिविडेंड का पेमेंट होना और कैपिटल का रीपेमेंट होना, ये दोनों प्रेफरेंशियल राइट इनके पास नहीं होते। मतलब इन्हें ना ही डिविडेंड पहले मिलता है, इन्हें अगर डिविडेंड मिलता भी है तो वो सबसे लास्ट में मिलता है सब लोगों को देने के बाद। जैसे कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, गवर्नमेंट और बैंक से लोन लिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, डिबेंचर को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। इनको देने के बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट बचेगा तो बचने के बाद इनको क्या पेमेंट किया जाता है, डिविडेंड पेमेंट किया जाता है। और अगर ना हो तो इन्हें मिलता भी नहीं है। तो प्रेफरेंशियल राइट का मतलब यहाँ पे इतना है कि इन्हें डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा, इन्हें डिविडेंड मिलेगा सबसे लास्ट में मिलेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद इन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा। दूसरा है राइट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दूसरा प्रेफरेंशियल राइट है। ये रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या पॉइंट कह रहा है, ये है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल मतलब इनका पैसा, इनका कैपिटल जब तक कंपनी चलेगी तब तक इनका पैसा इनको वापस दिया जाएगा नहीं, इनका पैसा इन्हें वापस तभी मिलेगा जब क्या होगा, कंपनी बंद होगा। तो ये हो गया हमारे प्रेफरेंशियल राइट, जो दोनों राइट इन इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पावर। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट जो होता है, वो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं रियल ओनर। अब उनमें भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, बाकी के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो सिर्फ नाम के मालिक होते हैं। तो कंट्रोलिंग करने का जो राइट है या कंट्रोलिंग करने का जो पावर है वो पावर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। रिस्क का मतलब यहाँ पे इनको खतरा है। खतरा क्या है, दो तरीके का खतरा होता है इनको। पहला, इन्हें डिविडेंड ना मिलने का टेंशन होता है, और दूसरा इनका कैपिटल ना मिलने का टेंशन होता है। मतलब जो हमने प्रेफरेंशियल राइट के अंदर में दो प्रेफरेंशियल राइट्स पढ़े, उसमें एक राइट क्या था, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और उसमें दूसरा क्या था, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। अब यहाँ पे इनको रिस्क क्या है, रिस्क इनको यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट अगर ज्यादा नहीं हुआ, या सपोज दैट कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर प्रॉफिट का पैसा ज्यादा बचा नहीं, या मान लो कि प्रॉफिट कम हो गया, तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा नहीं।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया जाएगा नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट में से। कहां से किया जाता है? प्रॉफिट में से। इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड इनको मिलेगा, प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो इन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब इनको रिस्क है। दूसरा रिस्क इनका होता है रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। चलो ठीक है, कंपनी जब तक चलेगी तब तक इनका कैपिटल वापस नहीं किया जाता, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अगर कंपनी बंद होने का टाइम आया, कंपनी के बंद होने का अगर टाइम आएगा, तो बंद होने के टाइम पे सबसे पहले जो हमने आउटसाइडर से लिया हुआ है, जैसे कि बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये लोगों से पैसा अगर लिया हुआ है, तो कंपनी के पास जो कुछ भी एसेट्स होगी उन एसेट्स को बेचने के बाद उन लोगों का पैसा क्या किया जाएगा? पहले दिया जाएगा किसको? डिबेंचर होल्डर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, बैंक लोन होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन होगा, वो सारी चीजें अगर होंगी तो पहले उनका पेमेंट किया जाएगा। उनका पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो उसके बाद पेमेंट किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सबको पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास जो कुछ बचेगा वही बचा हुआ पैसा इसे मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब इसके अंदर में क्या हो सकता है? या तो पैसा कम भी बच सकता है या पैसा ज्यादा भी बच सकता है। ज्यादा बचा तो अच्छी बात है, लेकिन जब पैसा कम बचा तो चांसेस क्या होते हैं? पैसा यहाँ पे कम बचने के, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब कंपनी लॉस में जा रही होती है तो उसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जो एसेट्स होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो वहां पे पैसे बचने के चांसेस कम होते हैं जब बिजनेस लॉस में जा रही होती है, तो यहाँ पे कोई दूसरा रिस्क हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिडेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पेमेंट होगा इनको, उस सारे लोगों को पेमेंट करने के बाद ही डिविडेंड होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिबेंचर को इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करने के बाद, अगर उसके बाद कुछ बचेगा तो उसमें से इन्हें क्या किया जाता है? डिविडेंड पेड किया जाता है सबसे लास्ट में। द नेक्स्ट पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट। मतलब यहाँ पे कोई भी इक्विटी शेयर पर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको एसेट का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब उसको कोई गिरवी एसेट नहीं दी जाती। मतलब अगर कंपनी नुकसान में चली गई तो जैसा होता है ना कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक बोलती है भाई मैं लोन दूंगी 1 लाख या 1 करोड़ रुपए का, तो मुझे उसके लिए कुछ तो गिरवी चाहिए, तो भाई हमको क्या करना पड़ता है? उसको गिरवी रखना पड़ता है। बैंक से अगर लोन लिया तो उसको एसेट क्या करनी पड़ती है? चार्ज करनी पड़ती है। गिरवी रखने मतलब उसको हम लोग एसेट क्या करें? चार्ज करें। डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स भी क्या करते हैं? कंपनी की कोई ना कोई फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, मतलब वो भी एक सिक्योर्ड हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं करते बट वो ठीक है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी की किसी भी एसेट को चार्ज करते नहीं है, मतलब वो है रियल ओनर्स, मतलब भी किसी भी एसेट को चार्ज करेंगे नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस इशू। हाँ, कंपनी को शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये जो बोनस शेयर होते हैं, बोनस इशू जो है एक तरीके के शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, बाकी और किसी को दिए जाते नहीं है। कौन से वाले शेयर्स? बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर्स को नहीं मिलते हैं, और वो भी ये बोनस शेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। कंपनी का जो कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत पैसा जमा करते रहती है कंपनी के अंदर में रिजर्व्स में, तो वो रिजर्व का जो पैसा होता है वो जमा होते 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 क्या हो जाता है, एक अमाउंट ज्यादा बन जाता है, तो जब अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसी को, उसी पैसे से क्या करती है कंपनी? कुछ इक्विटी शेयर इशू करती है जिसके लिए बोनस शेयर इशू करती है, जिसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके कंपनी को कोई भी अमाउंट पेड करना नहीं होता है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट इशू। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी एक राइट इशू भी उनको एक राइट होता है कि वो उनको इशू किए जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि बोनस शेयर्स किसे कहते हैं, राइट शेयर्स किसे कहते हैं। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि जो कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है वो राइट शेयर्स ये टाइप्स नहीं है, ये इशू करने का एक टाइप है।
टाइप ऑफ शेयर्स में दो टाइप के, इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। यहाँ पे इशूड होता है अलग अलग तरीके का, बोनस शेयर हो गया, बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, तो ये दोनों भी इशू किए जाते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते नहीं है। धन्यवाद। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फेस वैल्यू। जो कंपनी का इक्विटी शेयर होता है उसकी जो फेस वैल्यू होती है नॉर्मली 10 और 10 के मल्टीपल्स में होती है। किसमें होती है? 10 और 10 के मल्टीपल्स में होती है। मतलब जो कंपनी का इक्विटी शेयर होगा उसकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपए या 10 ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 होगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट वैल्यू। कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। वो क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होते रहती है जैसा उसका मार्केट में उसका डिमांड होता है और उसका सप्लाई होता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कैपिटल एप्रिसिएशन। व्हाट है कैपिटल एप्रिसिएशन? मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या होते रहता है, उसकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे उसकी क्या होती रहती है, बढ़ते रहती है। इसलिए कहते हैं कि इक्विटी शेयर जो होता है वो कैसा होता रहता है, अप्रिशिएट होते रहता है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हमने कुछ पॉइंट्स में पढ़ा है कि रिस्क होता है, तो लेकिन रिस्क जहां ज्यादा होता है फायदा भी वहीं ज्यादा होता है। मतलब कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा सब किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसके दूसरी चीज क्या होती है कि कंपनी का जो बचा हुआ पैसा होगा, सारे लोगों को रीपेमेंट की अपने जो बात की थी, सारा पैसा जो बचा हुआ था, अगर वो पैसा सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर ज्यादा बचा तो सब किसका होता है? वो सब इक्विटी का होता है। वो सारा का पैसा क्या करेंगे? इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको कैपिटल अप्रिशिएट होता है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ते जाती है। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में